हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ टेक्निकल विधि से लिट्टी चोखा, वो भी भावरी पे, गोईठा के आगे पर बनाने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो पूरा प्रोसेस आपको मिलेगा, और कुछ अलग तरीका से, कुछ अलग टेक्निकल से हम बनाने जा रहे हैं लिट्टी भौरी पे, और आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे फिर भी तभी देख पाएंगे दोस्तों। अभी आज देखिए प्रोसेस, आप हमारा देखिए, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, दिखा रहे हैं आपको, इस तसले में आगे हमारा तैयार हो रहा है। आगे तैयार हो रहा है, अब ये इसमें आगे तैयार हो जाएगा, उसके बाद तो इसमें बैंगन भुना जाएगा, टमाटर भुना जाएगा, मतलब ये सारा सिस्टम आज ये लिट्टी का जो है भौरी पे है, कुछ अलग ही तरीका से, कुछ अलग ही टेस्टी के द्वारा बनाया जाएगा। मतलब टेस्ट तो बहुत अच्छा मिलेगा। आप वीडियो में बने रहें, देखते रहिए किस टेक्निकल से बनाया जा रहा है यह भौरी का लिट्टी। आप देखते रहिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो पूरा प्रोसेस मिलेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यह जो है टमाटर है, दो टमाटर रखा हुआ है, और ये बैंगन तीन ठी रखा हुआ है, और ये आलू है, चार पांच ठी आलू है, और ये बिल्कुल अभी ये थोड़ा आगे तैयार हो जाएगा, अब इसी में इसको डाल करके भूजा जाएगा, और उसके बाद वो टमाटर और वो मतलब बैंगन सभी इसमें भून करके उसके बाद यह चोखा लगाया जाएगा। और मार्केट में जो मिलता है उससे कई गुना टेस्टी यह बनने वाला है दोस्तों। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम लोग लिट्टी और भरता बनाने जा रहे हैं, ये गोईठे के आगे पे। रेडीमेड तो आप लोग खरीद के दुकान से खाते ही होंगे दोस्तों। देखिए हम लोग बना रहे हैं, अंदर तो अब नीचे का पर्स हो गया है, इसलिए इसमें ये तसला है लोहे का, इसी में आग जलाते हैं और पूरा भर के इसी में, और इसी पर देखिए और भरता बनता है। अभी आलू टमाटर बैंगन रखे हैं, अभी आगे तैयार हो जाएगा तो पहले इसको भूनेंगे, उसके बाद ये आगे थोड़ा सा हल्का होगा तो इसी पे लिट्टी रखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अब ये बैंगन भूनने के लिए आगे तैयार हो रहा है, लपट पर ही बैंगन भूजा जाता है। तो बैंगन को डाल रही है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जो है कि टमाटर और बैंगन भुना चुका है इसी आगे पे, और आलू भुना रहा है, और अभी आगे तेज है, आगे तेज है, इसलिए लिट्टी नहीं रखा जा रहा है, आगे तेज है इसके कारण से जो है लिट्टी नहीं रखा जा रहा है। लेकिन आलू जो है इसमें देखिए, आप देख सकते हैं आलू भुना जा रहा है, आलू सुनुआ आलू नहीं है, ये आलू को भी भुना जा रहा है इसी में। दोस्तों अब यह जो है लिट्टी रखने जा रही है, और आलू भी नीचे अभी भुना जा रहा है, और लिट्टी भी रख रही है। लिट्टी रखो, कम परिवार है इसलिए लिट्टी कम है दोस्तों, अभी ज्यादा है, कम परिवार है अभी, तो मतलब लिट्टी ज्यादा ही है, दो दो लिट्टी में बहुत हो जाएगा।
एक बार पलटी कर दिए हैं दोस्तों, हाथ जल रहा है, ये तो दिखा रहे हैं बस। तो दोस्तों लिट्टी एक चक्कर उतार करके जो है कि अब आलू को चेक किया जा रहा है, आलू चेक किया जा रहा है कि आलू हुआ कि नहीं। चेक करो, दोस्तों आलू जल रहा है, हाथ जल रहा है, और उसको आगे फैला करके बढ़िया से चढ़ाओ। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत धीमी आंच में लिट्टी को खवाया जा रहा है, इसलिए कि लिट्टी जले ना। जब लिट्टी जल जाती है तो लिट्टी का टेस्ट भी मज़ा हो जाता है, इसीलिए जो है कि धीमी आंच में लिट्टी खवाया जा रहा है। और नीचे आलू हो रहा है, आंच अभी है नीचे, इसलिए जो है कि लिट्टी ऊपर से बहुत धीमी आंच में खवाया जा रहा है। दोस्तों अभी बार बार इसको पलटी किया जा रहा है, क्योंकि लिट्टी जले ना, लिट्टी जल जाएगी तो उसका टेस्ट भी मजा हो जाएगा और टाइट भी हो जाएगा, इसलिए लिट्टी जलना नहीं चाहिए। इसीलिए हम जो है कि बार बार इसको पलटी कर रहे हैं और धीमी आंच में लिट्टी उखवा रहे हैं। और टमाटर और बैंगन जो है कि एकदम लपट जब देता था तभी उखवा दिए हैं पूरा अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से हमारा बैंगन हो करके एकदम ऑलरेडी हो चुका है, देख कहीं कच्चा नहीं दिख रहा होगा, कहीं भी नहीं, एक भी बैंगन में हमारा कच्चा नहीं दिखेगा, एकदम बिल्कुल देख सकते हैं एकदम पूरा अच्छी तरह से हो चुका है बैंगन को, एकदम पूरा अच्छी तरह से हो चुका है बैंगन। तो दोस्तों देखिए हमारा लिट्टी बन करके तैयार हो गया है, और टमाटर भी हो गया, आलू भी हो गया, और ये बैंगन भी हो गया, और बाबू जो है प्याज काट रहा है, और ये जो है कि अब छीला जा रहा है, छील करके चोखा लगाया जाएगा, और बहुत बढ़िया टेस्टी जो है कि चोखा लगेगा। दोस्तों देखिए मटेरियल में क्या क्या पड़ रहा है, दिखाएंगे हम सब, दिखाएंगे मटेरियल में क्या क्या पड़ रहा है सब दिखाएंगे। दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, टोटल दिखाएंगे क्या क्या जी डाल करके चोखा बनाया जाए, बहुत ही अच्छा टेस्टी चोखा बनने वाला है, आप वीडियो में बने रहे। दोस्तों आप देख सकते हैं चोखा लगा रही है, भरता भरता है उसका नाम, दोस्तों हमको हमें नहीं पता था उसका नाम भरता है, लेकिन हम चोखा ही हिंदी देसी भाषा में मतलब हम चोखा ही जानते हैं, और बता रही है भरता तो मतलब भरता बना रही है। हम उसमें बाबा अच्छा नदी के किनारे लगा के खा रहा था, गुरु जी बताए थे कि जब बनाओ ना लेना तो पहले भगवान को भोग लगा देना, उसके बाद खाना। वह जब लिट्टी और भरता बना के एकदम रेडी कर दिया के तो भगवान का स्मरण किया, बहुत कोमल दिमाग का था, बहुत साधारण था, एकदम मनुष्य का साफ था, तो भगवान का स्मरण किया, राम आइए और मेरा भोग लगा जाइए, तो राम आ गए, राम भी आए, माता सीता भी आ गई, हनुमान जी भी आ गए। दोस्तों ये कहानी बता रही है किसी तो वही हमको आज याद आ गया है, तो गुरु जी बताए थे कि योगा नहीं उखाड़ता, भूले थे।
अच्छा, याद आ गया उसे में भर का नाम लिया गया था तभी इसको याद है भर का नाम बताया मतलब हमको भर का नाम बहुत अच्छा लग रहा था एकादशी आई है इनको मार के भगा दीजिए कैसे हम बिना खाए जाए जब बाबू प्याज नहीं खाता है प्याज डालना जरूर दोस्तों प्याज न पड़े तो चोखा मजा नहीं आता है प्याज में जरूर चोखा आनंद आता है और उसमें देखिए कड़ू का तेल तेल डालेगी लोकल तेल है घर का तेल फिर आया हुआ है बहुत ही टेस्टी देता है तो एकदम नंबर वन लिट्टी और भरता हुआ है एकदम नंबर वन हुआ है दोस्तों ऐसा मार्केट में नहीं मिलेगा जहाँ तक ये कि मार्केट में नहीं मिलेगा ऐसा खाने का खाना लिट्टी और भरता बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा हुआ है दोस्तों और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों आप लोगों से कृपा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा करके प्रेस कीजिए दोस्तों अपने वीडियो को हमें यही समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे लास्ट नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नमस्ते दोस्तों।